Then welcome back to another vlog. और अभी हम जा रहे हैं बारिश की तरफ, और अभी हम हैं माजरा स्टेचू के ऊपर जिसका नाम है जैन ब्रिज। और मेरे ब्लॉग्स में आप देखते हो तो आप ऐसे जैन ब्रिज के बारे में, क्योंकि मैं डेली कम्यूटर हूँ यहाँ का और डेली मुझे यहाँ से आना जाना पड़ता है। देख सकते हो जैन ब्रिज कितना सुंदर लग रहा है और विशाल है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है ये भी। और अभी क्या होता है ना, ये पूरा ऑल ओवर डायमंड हार्बर से लेके साउथ कोलकाता का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बहला, उसका सारा ट्रैफिक ये ब्रिज देता है। और ये ब्रिज अभी हाल कुछ महीने पहले ही हाल में ये चालू हुआ है और कुछ दो तीन साल पहले गिर गया था। तो देख सकते हो जैन ब्रिज का नज़ारा काफ़ी सुंदर है और पुल के ऊपर जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और अभी हो गया जाम और अभी हमें लेना है यू टर्न लेने के लिए आगे ट्रैफिक। मुझे लगता है यू टर्न ले लेंगे हम, क्योंकि आगे का खाली लग रहा है मुझे और यू टर्न लेने की उम्मीद है हमें। तो यू टर्न लिया जाए कि नहीं लिया जाए वो बात की बात है, मतलब यू टर्न आराम से ले लेंगे क्योंकि आर्मी वाला गाड़ी अभी बहुत पीछे है। और इसी के साथ हमारा यू टर्न कम्प्लीट हुआ और हम चले गए गार्डन एज फ्लाई ओवर की तरफ। और गार्डन एज फ्लाई ओवर का उठने के साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि गार्डन एज फ्लाई ओवर की लंबाई है 4.5 किलोमीटर और काफ़ी अच्छा फ्लाई ओवर है देख सकते हो। और अभी हम जैन ब्रिज के ठीक पीछे से जा रहे हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। गार्डन एज फ्लाई ओवर काफ़ी एक उमदा फ्लाई ओवर है कोलकाता का और काफ़ी फाइनेस्ट फ्लाई ओवर है। बात अलग है कि ज़्यादा यूज़ ज़्यादा रस नहीं होता क्योंकि बनाया गया ठीक है, मगर जैसे उसका यूज होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और ये नीचे वाला पार्ट था जैन ब्रिज का और ये है माजरहाट आपका मेट्रो रेलवे स्टेशन जो बन रहा है, यहीं पे आके जाके मेट्रो स्टेशन हॉल्ट हो जाएगी और इसके बाद इस नए मेट्रो में जाके जुड़ने का कोई प्लानिंग है। मेरा एक सजेशन था दोस्तों, ये है गार्डन फाइवर सजेशन देना चाहूँगा आपको, ये है चक्रेल। अभी ये चक्रेल जो है ना आपका, जो कि आपका यहाँ प्रिंसेप घाट होकर जाती है और नदी किनारे जो गुजरती है, वो रेल यहीं से बनती है माजर से ही स्टार्ट होती है और एक आगे जाके ब्रिज नुमा चीज है उससे होकर जाती है। गवर्नमेंट अगर चाहती तो कुछ काम हो सकता था कि ये जो चक्रेल था, चक्रेल के पास के ऊपर से ही मेट्रो रेल को गुजरा जाता और लोकल ट्रेन बंद करके मेट्रो को जो उसी चक रेल का जो आपका ट्रैक था उसे मेट्रो रेल में कन्वर्ट कर दिया जाता, तो काफ़ी कॉस्ट सेविंग होता, टाइम सेविंग होता और मेट्रो रेल चालू हो जाता। लोकल में भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर एक ऑप्शन बंद करके दूसरा ऑप्शन चल करना ठीक जाता, क्योंकि नदी किनारे चक रेल चलता तो ज़्यादा चला जाता, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है ये पॉइंट है ना जो मेट्रो रेल का, मेट्रो रेल बोलो सर, चक्रेल यहाँ से स्टार्ट होती है और ये होते हुए ब्रिज होते हुए ये प्रिंसेप घाट बाबू घाट ये सारा बीबीडी बाग होते हुए सारा नदी किनारे ये जो ब्रिज होती है वैसे वहाँ से ट्रेन आ रहा है। देखिए ब्रिज के ऊपर से काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ से, आई होप आपको दिख रहा होगा और ट्रेन मुझे भी दिख रहा है। और ट्रेन वहाँ से गुजर रही है लोकल ट्रेन, इस लोकल ट्रेन को अगर मेट्रो रेल में कन्वर्ट किया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से खिदिरपुर बीबीडी बाग मैंने इवन नदी किनारे एक मेट्रो रेल चलेगी तो एक सुंदर नज़ारा होगा कोलकाता मेट्रो का। तो आई होप, और ये जो आपका यहाँ से आपका डायरेक्ट हावड़ा मैदान जो है मेट्रो स्टेशन वहाँ पर भी कनेक्ट किया जा सकेगा। गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए, काफ़ी उम्दा आइडिया है, चाहे तो कनेक्ट किया जा सकता था।
अब आगे अगर मेरी वीडियो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास पहुंच रही है, मैं ट्वीट करूंगा उनको, अगर वो पहुंचती तो काफ़ी कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट का कॉस्ट सेविंग होता और काफ़ी अच्छे तरीके से एक नया मटेरियल हमें मिल जाता अगर चाहते तो। कुछ दूरियाँ हैं, मैं टेक्निकली फॉल्ट अगर कुछ हो सकता है मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, बट आइडिया ख़राब नहीं है क्योंकि ये टेक्निकल का पूरा ट्रैक काफ़ी अच्छा है। देखो ये जो है ना, ये ट्रैक मेट्रो का भी ट्रैक सेम होता है ऑलमोस्ट, इस ट्रैक में चेंजेस करने से मेट्रो रेल में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको, ठीक है। चलो गाइस अब हम बढ़ते हैं, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ऊपर का मेट्रो स्टेशन का पूरा। मेट्रो स्टेशन बार बार मेरे मुंह से मेट्रो लग रहा है, भगवान चाह रहा है कि मेट्रो स्टेशन में कन्वर्ट हो जाए ये सारा, मे भी बात की बात है। अब सुंदर नज़ारा देख सकते हैं कि गार्डन इज फ्लाईओवर कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, और एकदम लगता है कि किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं हम। गाइस आज के व्लॉग में काफ़ी सुंदर नज़ारा एक और आया है आपको दिखाना चाहूँगा मैं, और ये है सुंदर नज़ारा कि देखिए ठीक सामने है हमारा कोलकाता एयरपोर्ट का जो पास्कल ब्रिज होता है ना, जो खुल जाता है वो ब्रिज है, और देख सकते हो अभी वो खुला हुआ है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और जैसे जैसे धीरे धीरे मैं करता हूँ पीछे की तरफ, जल्दी दिखता नहीं है दोस्तों, आज हमें दिख गया, और देख सकते हो काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ पास्कल ब्रिज के ठीक सामने। ये जो ब्रिज है इसके ठीक जो बीच में देख रहे हो ना, यहाँ से आपका पूरा जहाज़ गुजरता है, शिप गुजरती है, तो अभी ये खुला हुआ है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, जल्दी किसी को देखने मिलता नहीं है। आज मैं लकी था कि मुझे दिख गया और आपको भी दिख गया मेरे साथ ही साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और पास्कल ब्रिज को अगर बंद, कभी धूप काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मेरा मन था आपको पूरा ये कैसे बंद होता है खुलता है वो सारा नज़ारा दिखाता, और थोड़ी विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा पास नहीं आ रही, काफ़ी जूम करना पड़ रहा है तो वीडियो क्वालिटी ख़राब हो रहा है, दैट्स व्हाई अब आगे बढ़ते हैं हम। और वाह बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, और यही किसी के साथ हमारा ब्लॉग है एंड होता है। थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम हुई है दोस्तों, मुझे पता है आपको, और मैं देख रहा हूँ लेट मी चेक अगेन की क्या प्रॉब्लम हो रहा है सामने। और दोस्तों ये सामने जो नो एंट्री लगा हुआ है ना, ये नो एंट्री कमाने के लिए लगाया गया है, किसी दिन अगर मेरे ब्लॉग में वो वीडियो आ गया तो मुझे तो खैर नहीं, चलो कोई ना।